Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं ब्रदर का प्रिंटर। ब्रदर का प्रिंटर में यहां पर प्रिंट अनेबल 05 का एरर देता है और इसी तरह से यहाँ पर सेल्फ डायग्नोस्टिक का एरर भी देता है। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, मैं इससे पहले वाला जितने भी वीडियोस है सभी में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन बार बार आने के बाद यहाँ पर इसका सोल्यूशन यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखना, यहाँ पर मैं जितने भी सब कुछ बताऊँगा आपको सभी को स्किप ना कर देखना होगा दोस्तों। ठीक है, तब आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से इसको स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या क्या किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये रहा हमारा प्रिंटर। यहाँ पर ब्रदर का DCB L2540DW मॉडल का प्रिंटर है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट अनेबल 05 का एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर प्रिंट अनेबल 05 भी आता है, लेकिन कभी कभी इस कंडीशन में यहाँ पर प्रिंट सेल्फ डायग्नोस्टिक का भी एरर दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी ऑफ कर दिया एक बार प्रिंटर को। प्रिंटर को ऑफ करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं प्रिंटर को पावर लगाता हूँ, और पावर लगाने के बाद यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर अभी फिर से फिलहाल यहाँ पर सेल्फ डायग्नोस्टिक का एरर यहाँ पर आ रहा है, सेल्फ डायग्नोस्टिक, और यहाँ पर 15 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी ये देखिए, तो इस तरह से एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर इस उतने वेट करने के बाद यहाँ पर क्या एरर दिखाता है आपको देखने मिल जाएगा। वेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर वोल्टेज का प्रॉब्लम से इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंटर खुद यहाँ पर रन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रन होने जब लगता है, यहाँ पर जब टाइम इसका पूरा होता है, तब उस कंडीशन में फिर से यहाँ पर प्रिंट अनेबल 05 का एरर आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फ्यूजर यूनिट में जितने भी थर्मिस्टेटर है, थर्मिस्टेटर को एक बार देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो लैम्प है, हीटिंग लैम्प, उसको भी देखेंगे और उसको टेस्ट करेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आगे 05 दिख रहा था, फिर मैंने रिस्टार्ट किया प्रिंटर को, फिर से यहाँ पर सेल्फ डायग्नोस्टिक का एरर दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्टार्ट हुआ, लेकिन रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर क्या दिखाता है, ये देखिए रिस्टार्ट होने के बाद फिर से यहाँ भी अभी यहाँ पर सेल्फ डायग्नोस्टिक का एरर आ चुका है। ठीक है, कभी 05 भी आता है, कभी यहाँ पर फिर से सेल्फ डायग्नोस्टिक आता है। तो इस कंडीशन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि मैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको सभी को बताता हूँ। ठीक है, पावर को ऑफ कर दिया, पावर को ऑफ कर रखा हूँ अभी। ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं इसका जो हीटर है, फ्यूजर यूनिट है, उसको निकालने के बाद यहाँ पर इसको टेस्ट करता हूँ किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर साइड वाला कवर को ओपन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या होता है सब कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक
यहाँ पर पावर को निकाल दिया, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर इसका जो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई में भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर इसका जो फ्यूजर यूनिट है उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको सिम्पली निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये रहा हमारा फ्यूजर यूनिट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पर इसका जो थर्मिस्टेटर है जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ही होता है हमारा थर्मिस्टर। और इसका अंदर होता है जो लैंप, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कभी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इसका जो ज़्यादा हीट होने के बाद, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ये तो सही है, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ पर ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ दिखाते रहा है, और इसको यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर इसको भी देखेंगे। फर्स्ट में इसी को टेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या दिखाता है। और यहाँ पर इसको थोड़ी सी यहाँ पर इसका हिंट लेने के लिए हम इसको इसको इसी तरह से यहाँ पर रखेंगे। ये दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इसको बाहर ही रखना होगा, और यहाँ पर जब लाइट यहाँ पर चालू हो जाएगा तो हम ऑफ कर देंगे, नहीं तो इसको हम चालू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एक बार हम इस तरह से देखेंगे।
देखिए इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया। इतने होने के बाद यहाँ पर मैं आगे का जो है कवर उसको भी ऑफ कर देता हूँ, क्लोज कर दिया कवर को भी। और इतने ही में मैं यहाँ पर पावर को लगाता हूँ। ठीक है, इसका पावर ये देखिए पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पिछले वाला कवर होता है, कवर यहाँ पर पिछले वाला कवर जो होता है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन यहाँ पर बैक कवर रियर कवर ओपन करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर इस तरह का इसको यहाँ पर सेंसर लगा देता हूँ। ठीक है, इसको कवर को क्लोज करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर रखता हूँ। ये देखिए ये वाला यहाँ पर थोड़ी से कागज़ को यहाँ पर लगा दिया, पेपर मैंने रखा हूँ और यहाँ पर क्लोज हो चुका है। यहाँ पर सेल से इधर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर सीधे मैं यहाँ पर जाता हूँ मैट्रिक्स मोड पर, स्टार्ट मीनू स्टार्ट और यहाँ पर प्लस की को दबाता हूँ और यहाँ पर मैं 99 करके यहाँ पर एग्जिट करता हूँ। ठीक है, 99 कर दिया और 99 करने के बाद यहाँ पर क्या सिग्नल दिखाता है, इसमें जो होता है यहाँ पर लैंप, ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लैंप यहाँ पर चालू हो चुका है। देखिए लाइट यहाँ पर जल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो हीटर है, तो हीटर का सिस्टम है वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंप यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, जो लाइट यहाँ पर जल रहा है। तो लाइट जल रहा है तो यहाँ पर फिर से भी यहाँ पर सेल लाइन मशीन का एरर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर लाइट जलने के बाद ही यहाँ पर सेल लाइन मशीन एरर यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लाइट यहाँ पर जलने के बाद यहाँ पर सेल लाइन मशीन का एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में होता है कि दोस्तों जो हमारा इसका जो लैंप है वो ठीक है। ठीक है, जो हमारा इसका जो थर्मिस्टेटर है वो भी ठीक है और यहाँ पर हमारा होता है जो पावर सप्लाई है वो भी ठीक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको करना होगा क्या। ठीक है, इस कंडीशन में हमको करना पड़ेगा कि दोस्तों यहाँ पर ये दो जो कनेक्शन है, ये दो कनेक्शन है यहाँ पर इसी को टेस्ट करना होगा दोस्तों। ठीक है, ये दो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, ये थर्मिस्टेटर का ही काम करता है, उसी तरह से काम करता है। तो उसको हम सेंट्रल थर्मिस्टेटर हमारा ठीक है, लेकिन जो ये दो है यहाँ पर ये हमारा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पावर को ऑफ कर दिए, अभी पावर को ऑफ करने के बाद यहाँ पर इसको निकालता हूँ और इसको भी निकाल देता हूँ। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा ये वाला काम कर रहा है लेकिन ये साइड वाला काम नहीं करता है, तो इस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये वाला काम जब नहीं करेगा तो इस तरह का एरर आता है। ठीक है, ये देखिए ये जब यहाँ पर काम नहीं करता है तो इस तरह का यहाँ पर एरर आ जाता है। तो इसको चालू करना है हमको। ठीक है, इसको चालू करने के लिए यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे। सिंपल है दोस्तों, इसको रिप्लेस करने के लिए कोई यहाँ पर टेंशन होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू है। ठीक है, इसको निकाल लेना और ये निकल जाएगा, नहीं तो सिंपली इस तरह से भी निकल जाता है। लेकिन
इसको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए सिंपल ये निकल चुका है। ये निकलने के बाद इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसको ही रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरे सामने न्यू पीस, थोड़ा सा इसमें और इसमें यहाँ पर डिफरेंस है। ये देखिए ये छोटा सा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर इसका टाइप सा है, इसमें देखने में यहाँ पर अलग सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं फटाफट इसको इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ आपको इसका प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। उसको फेंक दिया और इसको डालता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैचिंग नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में इसको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर इसको तोड़ देंगे थोड़ी सी, इसको तोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पर इसको मैं सिंपल से लगाता हूँ यहाँ पर, इसका भी हल्का सा इसको तोड़ देता हूँ। सेम मॉडल का नहीं मिला, इसीलिए मैं इसको इस तरह से जुगाड़ इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगा देना चाहिए, हम इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये ऊपर तक की तरफ से यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इतने लगाने के बाद यहाँ पर हमारा स्टील का ये बॉडी है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए। यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्ट यहाँ पर, ठीक है। ये रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पर जो हमारा ओल है, जो हमारा ख़राब था, ये यहाँ पर है और यहाँ पर न्यू दबा है मैंने, ठीक है। सेम है मॉडल का नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ना पड़ा। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से हम लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पर रहता है और इसको हम ये वाला इसको नहीं लगेगा यहाँ पर दूसरा इसको लगेगा, ठीक है, ये वाला लगता है।
देखिए इसको लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर ये वाला क्या है, इसको भी हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से यहाँ लगा दिया, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसको मैनेज करेंगे। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको सब कुछ लगा दिया, और इतने होने के बाद उसे यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसको लगाने के बाद यहाँ पर सारे स्क्रू, जितने भी स्क्रू होता है, दो स्क्रू होता है यहाँ पर, दो स्क्रू को मैं लगा देता हूँ। देखिए इसको लगा दिए, और ये जितने भी वायर्स है सभी को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर सभी वायर को कनेक्ट कर दिया, इतने होने के बाद यहाँ पर ये वाला कवर को भी मैं यहाँ पर लगाता हूँ। अब इससे पहले यहाँ पर इसको मैं लगाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पर लगाइए, कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये वाला कवर को दिलाया था। यहाँ देखिए इस कवर को भी लगा दिया और यहाँ पर इसका भी लगाता हूँ। यहाँ देखिए इसको भी लगा दिया और यहाँ पर लास्ट वाला जो कवर होता है इस तरह से यहाँ लगा दिया। ये देखिए ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कवर लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये यहाँ पर छोड़ चुका है। ठीक है, ये नहीं होगा तो यहाँ पर पेपर अच्छी तरह से मैनेज नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर इतने में आपको मैं चीज करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हमारा होता है और बाद में इसमें कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसी तरह से यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा प्रिंटर रेडी होता है, नहीं होता है। ठीक है, पावर लगा दिया अभी, थोड़ी सी यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर मूव करता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेपर भी है और यहाँ पर पेपर लगा था। ये देखिए हमारा प्रिंटर ने यहाँ पर काम कर चुका है और ये हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। ठीक है, रेडी हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पर मैं पेपर को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमारा प्रिंटर चालू हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये नहीं डालने के बाद यहाँ पर हमारा पेपर जहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर पेपर खींच लिया, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पेपर खींच लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम था यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसको नहीं डालने के बाद यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पर जाम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने भूल गया उसको डालने के लिए। यहाँ पर कभी हो रहा है, ये देखिए एक बार देखिए पेपर निकलते हैं, ये देखिए पेपर निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं जाकर ऊपर नहीं खींचेगा पेपर, कॉपी पेपर को यहाँ पर लेकर डालता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट अच्छी तरह का प्रिंट मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोस्तों आज के इतने इस तरह से जो सेल्फ डायग्नोस्टिक और 05 प्रिंट आने में 05 का एरर आएगा, तो यहाँ पर इस तरह का इस तरह आपको सॉल्व कर सकते हो। और इसको किस तरह से सॉल्व किया मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया, और इसको पार्ट्स को किस तरह से चेक करना चाहिए। ठीक है, कौन सा पार्ट में खराबी है तो किस तरह से चेक किया जाता है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया। तो आज के लिए इतने, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि